आज हम लोग का अरुणाचल प्रेस क्लब का लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें चीफ गेस्ट हम लोग का एजुकेशन मंत्री पीडी सोना सर और अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का और पद्मश्री अवार्डी वाईडी चौंती सर और आपका हम लोग का नोडल एजेंसी जो रहता है आईपीआर डिपार्टमेंट उसका सेक्रेटरी सर न्याली अत सर आया था। तो हम लोग ने इनॉग्रेशन किया है और आज से ऑफिशियली ये ऑन हो गया लाइब्रेरी। और जितना भी मेंबर्स है, जर्नलिस्ट है, इनफैक्ट आपका मास्कॉम का जो स्टूडेंट्स है, आपका सेंट क्लेरेट में है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में है, वो सब के लिए भी ये ओपन है। और ये सिर्फ उसके लिए वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए नहीं, आपका ऑनर्स लोग भी ऑनरेरी मेंबर बन के इसका ये अवेल कर सकता है ये फैसिलिटी को। और आप लोग ने देखा होगा बुक्स बहुत कम है, लेकिन ये विद इन वन वीक का अंदर में ये वो रैक पूरा फुल हो जाएगा। उसके बाद आपका सिर्फ ये नहीं रहेगा, बुक्स सिर्फ नहीं रहेगा, मैगजीन रहेगा, आपका न्यूज़पेपर जितना भी है, नेशनल और रीजनल और जो लोकल न्यूज़पेपर है वो भी आपका यहाँ में पढ़ने को मिलेगा। और उसका टाइमिंग हम लोग ने ऐसे किया सुबह का सात बजे से और रात का 10 बजे तक, तो वो खुला रहेगा, आप जब भी आके पढ़ सकता है। उसके बाद सेकेंड फेज़ में हम लोग ने उसको डिजिटल लाइब्रेरी को खोलने का भी है। और आपने शायद आप विजिट किया होगा, ऊपर में एक मीडिया सेंटर है, तो मौका का फ़ायदा होता है कि ये भी बोलेगा कि आपको जैसे कि आपका वहाँ पे ऑफिस में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, तो मीडिया सेंटर खुला हुआ है, यहाँ में आपको सिस्टम दिया जाएगा, कंप्यूटर दे दिया जाएगा और उसमें एसी भी है, आप 10 बजे तक अपना यहाँ में स्टोरी फाइल कर सकता है, आपका वीडियो एडिटिंग भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर जो है हम लोग, क्योंकि आपको ऑफिस जाने में यहाँ में एक दिन में अगर 3 या 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है तो आपको ऑफिस जाना तकलीफ हो जाता है, तो वो फैसिलिटीज़ भी हैं इंक्लूडिंग वो लाइब्रेरी को छोड़ के। तो मीडिया सेंटर भी अभी वो कंप्यूटर ये सब डालना बाकी है, ये है। और